स्वयं सहायता समूह की दीदियों को मधुमक्खी पालन हेतु मधुमक्खी बॉक्स एवं इससे जुड़ी हुई अन्य कीटों का वितरण डीडीसी आशुतोष द्विवेदी के द्वारा किया गया। बंद्रा प्रखंड के पीरापुर मध्य विद्यालय सतगछिया के प्रांगण में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए डीडीसी ने कहा कि मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं, बशर्ते कि समझदारी और ईमानदारी से आप लोग इसका काम करें। उन्होंने कहा कि मधुमक्खी पालन के साथ पर्यावरण एवं जीवों का संरक्षण संभव है, साथ में जीविकोपार्जन की राह भी आसान हो सकेगी। इस एरिया में रहेगा सर, यहाँ जितना भी फसल है उसका उत्पादन बढ़ेगा, परागण की क्रिया अच्छी होगी। वहीं जीविका की डीपीएम अनीसा ने मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में महिलाओं के बेहतरीन प्रदर्शन करने की कामना की, साथ ही इसमें बढ़ चढ़ कर प्रयास करने का आह्वान भी किया। कार्यक्रम के दौरान एडीएचओ शंभु प्रसाद, प्रशिक्षु आईएएस अनुपम श्रेष्ठ, डीआरडीए निदेशक चंदन चौहान, प्रबंधक बलराम कृष्ण, बीपीएम धीरेन्द्र कुमार आदि भी मौजूद थे। डीडीसी आशुतोष द्विवेदी ने बंदरा प्रखंड के रतवारा में ग्रामीण पशु चिकित्सक अजय कुमार के एफएलडी ग्रीन हाउस में शिमला मिर्च, चुकंदर एवं गाजर की खेती का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लागत, उत्पादन एवं फायदे के बारे में किसान से जानकारी ली, खेती के कार्य को जाना सुना। किसान ने बताया कि 25 लाख रुपए का यह प्रोजेक्ट है। हॉर्टिकल्चर विभाग के द्वारा यह एफएलडी ग्रीन हाउस को लगवाया जाता है, खुद से 6,25,000 देने पड़ते हैं, बाकी सरकारी अनुदान मिलती है। डीडीसी ने मतलूपुर में फिशरी प्रोजेक्ट का भी निरीक्षण किया। इस दौरान आवास योजना के लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन और धान अधिप्राप्ति केंद्र आदि का भी निरीक्षण किया। मुजफ्फरपुर जिले के बॉर्डर क्षेत्र हाथाओपी के ग्रामीण इलाके में बदमाशों का एक नया अंदाज दिखा। हर्बल कंपनी के प्रचार के नाम पर आए दो बाइक सवार बदमाशों के द्वारा महिलाओं से सोना के आभूषण को लेकर चंपत हो जाने की घटना सामने आई है। आभूषण की अनुमानित कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। इलाके में अपने तरह का यह पहला घटनाक्रम हाथाओपी क्षेत्र के सकरी मन गांव की बताई जा रही है। इस संदर्भ में हाथाओपी के अध्यक्ष कुमार अभिषेक ने इस घटना की जानकारी से इनकार किया है। वहीं स्थानीय वार्ड सदस्य के पति गोपाल द्विवेदी का बताना है कि इस घटनाक्रम की जानकारी 100 नंबर पर पुलिस कंट्रोल रूम को भी तत्काल ही दी गई, जिस पर तुरंत गश्ती गाड़ी भेजने की बात कही गई थी, लेकिन शाम तक कोई पुलिस टीम मौके पर नहीं पहुंच सकी थी। हाथाओपी एवं पीआर थाना के बॉर्डर क्षेत्र मतलूपुर निरहा चौर में एक फाइनेंस कंपनी के बाइक सवार कर्मी से 600 रुपये नकद एवं टैब आदि बदमाशों द्वारा छीनने की घटना सामने आई है। पीड़ित ने इस मामले में हाथाओपी में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में हाथाओपी के अध्यक्ष कुमार अभिषेक ने देर शाम बताया कि घटनाक्रम को लेकर आवेदन दी गई है, जिसके बाद पुलिस गश्ती दल को घटनास्थल पर भेजा गया है। मामले की छानबीन की जा रही है, जिसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी। बंदरा प्रखंड के सिमरा मध्य विद्यालय के शिक्षकों ने 7वीं-8वीं के विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के साथ ही स्कूल से बाहर शैक्षणिक भ्रमण के माध्यम से प्रायोगिक ज्ञान भी देने का सिस्टम इजाद किया है। इस अनोखी पहल से छात्र छात्राओं में काफी उत्साह एवं रोमांच का माहौल है। स्कूल के शिक्षक सुरेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में इस तरह का अनूठा प्रयोग शुरू किया गया है।